वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे सत्तू वाली कचौरी या फिर सत्तू वाली पूरी भी इसे कहा जाता है। ये मोस्टली यूपी, बिहार और बंगाल की डिश है, ज्यादातर वहां बनाई जाती है। बहुत ही महत्व है इसका, ओकेजनली सत्तू पूरी का यूज होता है। तो आइए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक बाउल सत्तू का, ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। गूंदा हुआ मैदा और आटा मैंने मिक्स यूज किया है। आप चाहें तो प्योर मैदा का भी बना सकते हैं, प्योर आटा का भी, ये मिक्स कर लें। आपको क्या करना है, इसे गूंद के रख देना है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। तेल चाहिए होगा फ्राई करने के लिए। मसालों में चाहिए नमक, हल्दी, मिर्ची कटी हुई, और आपको चाहिए होगी राई। राई बहुत जरूरी है सत्तू की कचौरी के लिए। लहसुन कटी हुई चाहिए, बारीक कटी हुई मिर्च, अदरक चाहिए और प्याज। प्याज आपकी विश है, अगर आप यूज नहीं भी करना चाहते हैं तो भी ओके है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कढ़ाई में तेल गर्म होने को रख देना है। जब तक तेल गर्म होता है मैं आपको मिक्सचर बता देती हूँ, आपको कैसे मिक्सचर बनाना है इसका। सत्तू का पाउडर लें इस तरह से कटोरी में, और इसमें हमने थोड़ी सी अदरक, लहसुन और प्याज और मिर्च, और अब आपने पाउडर यूज करना है, मिर्च, राई थोड़ी सी, अगर राई को भून लेंगे तो भी ज्यादा अच्छा रहता है, और नमक स्वाद अनुसार, और हल्की सी हल्दी, और थोड़ी सी सरसों तेल आपने चुटकी भर इस तरह से, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स करें नमक को और मसालों को। और आप लोग चाहें तो नींबू भी यूज कर सकते हैं, इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं। मोस्टली लोग इसमें नींबू निचोड़ते हैं, उससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। टेस्ट करके जरूर देखें कि नमक का एडिशन प्रॉपर है या नहीं है। मिक्सचर आपका रेडी है। अब आपने क्या करना है, आटा ले लेना है इस तरह से पेड़ा, और हमने हल्के से आटे में डिप करके इस तरह से रोल कर लें, और हमें इसे फिल करना है इस तरह से। और इस तरह से बहुत ध्यान से कि फटे नहीं। और अब हम इसे हल्का हल्का बेलेंगे, बहुत ध्यान से बेलें, एक्टिवली, बिल्कुल फटना नहीं चाहिए। चाहे तो आप ऑयल लगा के भी बेल सकते हैं इस तरह से। और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, ध्यान रहे कि फटे ना ये। और अब हम इसे सेक लेंगे इस तरह से। पलट लें। कैसे पता चलता है कि ये पक गई है, ये दोनों साइड से लाइट ब्राउन हो जाती है और आपकी ये फूल भी डबल जाती है, ये देखिए, क्योंकि फूल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यही पहचान है कि आपकी कचौरी एकदम तैयार है। एक साइड से अच्छे से सेक लें, फिर दूसरी साइड को लाइट ब्राउन जरूर होने देना है। दोनों साइड को बहुत अच्छे से पकाएं। और अब मैं लगभग ये तैयार है, इसे हम सर्व कर लेंगे। उत्तर भारत में ये मोस्टली आलू के चोखे के साथ या टमाटर के चटनी के साथ खाई जाती है।
बिल्कुल तैयार है, फूल भी प्रॉपर चुकी है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत में ये आलू की चोखे और टमाटर की चटनी के साथ ज्यादा खाई जाती है। आप लोग चाहें तो सॉस चाय के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें जरूर बताएं। आप कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं सजेस्ट जरूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।